वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए वो रेसिपी है पनीर का पराठा। और पनीर का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। आप देखिए, मैंने ये पनीर को ग्रेट कर लिया है। 200 ग्राम का पैकेट आता है, उसमें 4 to 5 पराठा बन जाते हैं, बाकी फिलिंग पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये 150 ग्राम पनीर ग्रेट किया है और ये मैंने आटा लगाया है जो मैं आपको लगाना बता चुकी हूँ। यानी जैसे आटे का डो लगाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून है। ये जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है। 2-3 पिंच मैंने जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर लिया है, अदरक लिया है। 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 पिंच गरम मसाला है। 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर है। तो आप फिर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस पनीर को ग्रेट किया है उसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। ये पनीर हमने डाल लिया है और अब हम ये सारे जो सूखे मसाले और धनिया है उसको डाल देंगे। और यहां मैं बताना चाहूंगी कि धनिया बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको वॉश किया है तो उसको सुखा कर यूज करें, नहीं तो पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। और हाथ से ही मैं इसको मिक्स करूंगी। ऐसे बहुत यमी लगने वाला है, बहुत टेस्टी लगेगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और ठंड का मौसम है तो डिफरेंट टाइप के पराठे मैं आपके पास लेके आऊंगी। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है, देखिए रेड चिली है, जीरा पाउडर है और धनिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं तो इसमें नमक डाल देते हैं। बहुत देर पहले हमें नमक मिला के नहीं रखना है। और इस समय हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, जो भी आपको लग रहा है कम है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटे में से लोई तोड़ेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा बनाएं। आटा हमेशा रेस्ट करने के लिए रखें ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यहां पर हम इसको बेलेंगे। और इतना बेलने के बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। और स्टफिंग बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गीली ना हो। और पराठे का जो डो है वो आपको सॉफ्ट लगाना है, ये टिप है। अगर पराठे फटते हैं आपके तो आपका डो जो है, आटा जो लगा हुआ है वो सख्त है, इसका मतलब। तो आप आटा बहुत सॉफ्ट लगाइए। तो जितनी भी फिलिंग आपको इसमें डालनी है उस तरह से आप डाल लें और इसको चारों तरफ से ऐसे मोड़ते हुए सील करें। इसको अंदर प्रेस करें फिलिंग को और इसको ऐसे सील करें। और मैं स्लैब पर बना रही हूं, आप भी बनाएं तो आपकी स्लैब बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए। पहले गीले कपड़े से फिर सूखे टिश्यू से साफ करके ही आप यूज करिए। चारों तरफ से हम इसको पहले हथेली से ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए बीच में से भी मोटा ना रहे पराठा, इक्वल फिलिंग हो, इस टाइप से हम इसको तैयार कर लेंगे। और फिर बेलन की सहायता से हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा इसको प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। और जितना बड़ा जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इसको कर लें। मैं बहुत मोटे या बहुत पतले नहीं बनाती हूँ। आप इधर से देख रहे हैं फिलिंग दिखनी शुरू हो जाती है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, हरा धनिया कटा हुआ। तवा हमने गरम करना रख दिया है, अब हम उस पर ये पराठा डाल देंगे। और तवा भी हमें तेज गरम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। और जब तक उधर ब्राउन धब्बे, ब्राउन थोड़े निशान आ जाते हैं तब तक हम इसको सिकने देते हैं। और ऐसे ही अब हम दूसरा पराठा बेल लेंगे, इसको अच्छे से ऐसे बेलेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसमें हम ऐसे फिलिंग डाल लेंगे और इसको चारों तरफ से सील करेंगे। फिलिंग को ऐसे अंगूठे से नीचे दबा दीजिए और चारों तरफ से ऐसे सील कर दीजिए। और भरते हुए हमें इधर से उधर से बहुत पतला नहीं रहने देना, नहीं तो पराठा जो है वो फट जाएगा। और पहले हम हाथ की सहायता से ही सूखा आटा लगाते हुए इसको बढ़ाएंगे।
जब तक हमारा वो पराठा हम बेलेंगे तब तक हम देख लेते हैं इसको, ये सिक गया है, ये देखिए ये निशान आ गए हैं चारों तरफ। और बहुत मीडियम फ्लेम पर, मतलब मीडियम फ्लेम पर ही आपको पकाना है। अगर आप तेज फ्लेम पर रखेंगे तो पराठा जो है वो जल जाएगा, स्लो पर रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो हाथ की सहायता से हमने इसको बढ़ा लिया, ऐसे नहीं तो आप ऐसे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, इतना आप कर लेंगे तो पराठा नहीं फटेगा, है ना। ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और पनीर वैसे भी बच्चों को बड़ों को खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ऐसे बिल गया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं दूसरे पराठे को। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा ये फूल गया है, क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पर इसको रखा है। तो देखिए कितना सुंदर पराठा बना है। अब हम इस पे ये ऑयल लगाना चाहते हैं, ऑयल घी लगाना चाहते हैं, घी और कम ज्यादा भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। लग रहा है ना बढ़िया। ये देखिए पराठे फूलना चपाती के तरह, तो कितनी खुशी होती है कि बहुत अच्छा पराठा बना है। दोनों तरफ से उलट पलट के हम इसको सेक लेंगे। आप नॉन स्टिक पर वुडन स्पैचुला ही यूज कीजिए। ये कर रहे हैं तो आप ध्यान से, जैसे मैं सेकने के लिए इसको करती हूं तो बहुत ध्यान से इसको यूज करती हूँ, ताकि प्रेस करें आप इसको अच्छे से पराठे को। और ये देखिए कितना बढ़िया पराठा ये बनकर तैयार है। जरूर ध्यान रखिए कि साइड जो है वो कच्ची ना रहे, साइड से चारों तरफ से अच्छा सिक जाए। क्रिस्पी खाते हैं तो क्रिस्पी कर लीजिए, और सॉफ्ट खाते हैं तो सॉफ्ट सेकिंग। तो हमारा पराठा तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब एक टिप ये है, कभी कभी ऑयल जो है हमारे पराठे पे रह जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो पराठा आपने बेला हुआ है आप उस पर इसको ऐसे लगा दीजिए, जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल गया। देखिए तो अब हम ये नीचे देख रहे हैं ना आप, इस पराठे पर आ गया है, अब हम इसको सेक सकते हैं। ये पराठा भी हमने दोनों तरफ से ऐसे कर लिया है, देखिए इधर से सूखा है और जिधर ऑयल है वो हल्का सा ऑयली है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे लगता है आपको मेरी ये टिप पसंद आएगी। अब हम इसमें ऑयल लगाते हैं और इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से, इसको पलट लेंगे। और मैं आप विंटर में आपको डिफरेंट पराठे लेकर आ रही हूँ, सिखाऊंगी। आप मुझे जरूर बताइएगा किस चीज का पराठा आपको देखना है और कौन सा पराठा आपको मेरा अच्छा लगा। तो चारों तरफ से हम इसको सेक लेंगे ऐसे, थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा। ये देखिए फूलना शुरू हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार है, बहुत क्रिस्पी, बहुत मजेदार। लग रहा है ना यम्मी? भाई आप ट्राई कीजिए और बताइए कि आपके पराठे जो हैं वो कैसे बने हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं और मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये पराठा थोड़ा ठंडा हो चुका है, आपको मैं फिलिंग दिखाना चाहती हूँ। इसको हम धीरे से ऐसे इसको कट करेंगे। चारों तरफ से कट कर लेंगे इसको। और ये देखिए इसकी फिलिंग कितनी जबरदस्त फीलिंग है। आई होप आप पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मैं अभी इसको प्लेटिंग करती हूँ। तो ये देखिए हमारे यम्मी पराठे तैयार हैं।